Major earthquake spread across Afghanistan, Pakistan, and through India right till the Indian Ocean region. Is there any sense when it may occur and what will be the extent of damage that it could cause? There is a bit of confusion, I think, because in our forecast we explained that the purple band that you see on the map doesn't mean a rupture zone. So it doesn't mean that there will be an earthquake starting in Afghanistan into the Indian Ocean. It's merely an atmospheric fluctuation marking potential regions where a larger earthquake may occur. So that could be Afghanistan or Pakistan, or maybe if it occurs a little bit to the east, maybe even in India, like in 2001. That is possible. But this is all about possibility and probability. There is no certainty. All right. So basically, you're saying that you're not saying with certainty that an earthquake is going to occur in this particular region of India, Pakistan and Afghanistan, but you're saying that there may still be a possibility. Yes, that is right. We look at the positions of the planets and the moon, and then we isolate critical time frames like we did for four. ये अभी आपको मैंने एक वीडियो के अंश सुनवाए. और देखिए, विचित्र बात देखिए कि शनिवार को ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में एलजी साहब के रहनुमाई में, और उसमें विभिन्न एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया था. जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आता है, जो खासा हाई रिस्क एरिया है, और इसमें ये विचार किया गया था कि अगर अर्थक्वेक आता है दिल्ली में तो उससे पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए. जैसा आप देख पा रहे हैं इस न्यूज़ में है, रेट्रोफिटिंग की बात की गई है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस वगैरह की जो भी वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं, और राहत के लिए जो खुली जगह की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई बिल्डिंग से लोग निकल के बाहर आ सकें, और सभी डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न में इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था होनी चाहिए. सबसे बड़ी जो विचित्र बात देखने में आती है दिल्ली में, वो है कि सड़कें बहुत पतली हैं. जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ और भवन निर्माण हुआ हुआ है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये खबर में भी इस बात की है, एक्सट्रीमली नैरो एक्सेस है, रोड्स बहुत पतली हैं, तो वहाँ फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस वगैरह की जाने की बड़ी कठिनाई है. और इसी तरीके से रेलवे टेलीफोन नेटवर्क वगैरह की कनेक्टिविटी भी बढ़िया होनी चाहिए. तो ये मीटिंग बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक की बात है कि शनिवार को एलजी साहब की नेतृत्व में ये मीटिंग हुई, और इसमें एलजी साहब इसके चेयरमैन होते हैं दिल्ली के, और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके वाइस चेयरमैन हैं. और इस मीटिंग में सभी स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया था. रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी थे, सेक्रेटरी नरेश कुमार जी, सीनियर ऑफिसर दिल्ली पुलिस, होम सेक्रेटरी, डीडीए वाइस चेयरमैन, एमसीडी कमिश्नर, ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी के लोगों ने इसमें भाग लिया. और ये नहज इत्तेफाक ही है कि मंगलवार को रात 10:21 के आसपास दिल्ली ने भूकंप के झटके महसूस किए, और ये बहुत ज़रूरी है सभी आर्किटेक्ट्स को, टाउन प्लानर्स को, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको विचार करना होगा कि भविष्य में किस प्रकार की आप भवन निर्माण कर रहे हैं, क्या उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है, किस प्रकार के डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हैं, तो उस पर भी विचार करना होगा. मुझे उम्मीद है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर सभी स्टेक होल्डर्स गंभीरता से विचार करेंगे और भूकंप की किसी परिस्थिति को आने से पहले ही हम उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे. नमस्कार.